करोना काल तो पहला सब कुछ गज बज के हुंदा सी। व्याह शादियां दी गल करिए तां इतने सलीके नाल नहीं हुंदी, इतनी सादगी नहीं हुंदी सी। 5000 दे करीब पंजाब दे विच जिहने अपने रिजोर्ट ते पैलेस ने दिनां दे विच जो है काफ़ी संख्या दे विच लोकी काम करदे ने ते उत्थे ब्याह कारज जो है बहुत चंगे तरीके नाल हुंदे ने। लेकिन करोना काल दे विच हर पासे जो है बेरोज़गारी वधदी जा रही है, लोग परेशान हैं, आर्थिक तंगी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इतने साढ़े नाल मौजूद ने पंजाब पैलेस ते रिजोर्ट दे प्रेसिडेंट सर, थोड़े नाल असी गलबात करांगे, जानांगे कि जब तो करोना काल आया है एक 6 महीने लई समझो सब कुछ बंद सीगा, हुण सरकार ने कहा है कि पैलेस खोल सकते ने, आपां उत्थे ब्याह कारज कर सकते हैं, लेकिन घट गिनती दे लोग जो उत्थे पहुँचणगे। पंजाब विच लगभग 5000 मैरिज पैलेस ने जिहड़े 15 मार्च तो बिल्कुल काम इन्हां दा ठप्प पिया है। कम ठप्प होने दे नाल जिथे असी साढ़े पक्का स्टाफ जिहड़ा मुलाजम ने वह बेरोजगार हो गए ने और सानू वित्तीय नुकसान का जिहड़ा घाटा हो रहा है और साढ़े नाल जिहड़ियां जुड़ियां हैगियां बहुत सारिया एजेंसियां जिहड़ियां अलाइड सर्विसिज प्रोवाइडर होंदे है, जिस तरह केटरिंग वाले आउंदे है, डीजे वाले आउंदे है, सिंगर आउंदे ने, वेटर्स आउंदे ने, फोटोग्राफर्स, सिक्योरिटी स्टाफ, कोई चाट पापड़ी का कम करता है, कोई पान का कम करता है, कोई फ्रूट स्टाल लाउन आउंदा है, कोई फुलां का कम करन आउंदे ने, कोई लाइट एंड साउंड का कम करते हैं। इस तरह यह 15 से 25 एजेंसियां, कोई घोड़ी वाला हुंदा है, ये सारिया एजेंसियां एक वैडिंग दे विच इनवॉल्व हो जांदियां। और जे असी 200-250 बंदे का ही फंक्शन करते हुए तो जिथे 250 या 200 गैसट हुंदा है उत्थे 150 बंदा उत्थे फंक्शन च घट्टो घट सर्विस प्रोवाइड कर रहा हुंदा है। वह सारे लोग मैरिज पैलेस का काम बंद होने करके घरों घर बेरोजगार बैठे है, उन्होंने भी इस वेल रोटी रोजी कमानी या खानी या इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे इदा भी होंगे विआह तो पहले ही लोग बुकिंग करा लें, बुकिंग के पैसे दे दें दे, तो वह बुकिंग के पैसे भी थोड़ा वापिस करने पे होने। मार्च अप्रैल और मई च जिहड़े बहुते सारे फंक्शन सीगे उन्हां दा बहुत सारे मैरिज पैलसां नूं वड्डा अमाउंट रिफंड करना पिया, वो भी एक वड्डा नुकसान सीगा। दूसरे पासे बिजली दे बिल भरने, बैंकां दीआं किश्तां भरनियां, स्टाफ नूं तनखाहां देणियां, यह हर रोज़ दिन ब दिन मुश्किल हुंदा जा रहा है। साढ़े नाल मोहाली मैरिज पैलेस दे भी वह पहुँचे ने रमन खन्ना जी, इन्हां नाल भी जाणांगे कि हुण ट्राई सिटी की आपां गल करिए, पंजाब की तो आपां गल कीती, ट्राई सिटी दे विच कम से कम थोड़ा जिहा माहौल ठीक होवेगा कि आही हाल है। मैम ट्राई सिटी अगर आप तालुक गल करते हैं तो ट्राई सिटी चंडीगढ़ और साढ़े नाल जो लगता पंचकूला जो कि हरियाणा पैंदा वो ऑलमोस्ट उन्होंने एज पर MHA गाइडलाइन उन्होंने 100 बंदे अलाउ करता है, जबकि साढ़े मोहाली हले सिर्फ 30 लोगों वास्ते अलाउड है। उत्थे अलाउड ना होने करके उत्थों का सारा बिजनेस या जिहड़ा लोगों के विआह करन की मजबूरी है जिन्हें जरूरी है वो लोग इधर शिफ्ट कर रहे हैं, जिहदे नाल कि हो रहा एज वैल एज़ असी एज़ मैरिज पैलेस ओनर और साडा स्टाफ वो तो असी नुकसान सह ही रहे हैं, एज वैल एज़ नाल गवर्नमेंट इज़ ऑलसो इन ह्यूज लॉस ड्यू टू यू कैन से अपना रेवन्यू लॉस होंगे उन्होंने ड्यू टू GST एक्साइज परमिट्स होंगे है, प्लस जी लिकर उत्थे सेल होनी सी। मोरओवर की होएगा जब इत्थे लोगों को जगह भी नहीं है, जिहड़ी चीज़ का प्रॉब्लम है आप गैदरिंग छोटी वड्डी कर रहे हैं ड्यू टू करोना कर रहे हैं जी, इत्थे जिन्ने अपने मोस्टली ट्राई सिटी जिहड़े होटल्स है सारे बेसमेंट बैंकट है जिहदे च लोग 100-100 बंदे की 150-150 आदमी की फंक्शन कर रहे हैं, जबकि साढ़े लोगों को उन्होंने बनस्पत एकड़ा च जगह जी, साड़ी मिनीम जी एक आम तौर पर मैरिज पैलेस है 1 एकड़ तो लैके 4-5 एकड़ तक है जी, जिहदे च अगर आप लगाइए 1 लाख स्क्वेयर फुट एरिया है एज़ पर गवर्नमेंट गाइडलाइन जो भी सानू प्रोवाइड करन वी आर रेडी टू लाइक जो भी उनके SOPs होंगे असी नॉर्म्स होंगे अभी फॉलो करांगे, लेकिन लोगों को मजबूरी क्योंकि हम उत्थे अलाउड नहीं है तो करके उन्होंने चंडीगढ़ पंचकूला ईवन हिमाचल वो सब कुछ ओपन हो गया, ये असी लोग भी लूजर हो रहे हैं एज मैरिज पैलेस ओनर प्लस साडा स्टाफ प्लस साडी जिहड़ी अलाइड एजेंसीज है तो सरकार भी लूजर है जी। सानू समझ नहीं आ रहा भी गवर्नमेंट क्यों नहीं अलाउ कर रही, जब उन्होंने साइमनटेनियसली उत्थे सारे बार रेस्टोरेंट होटल्स मॉल्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अलाउ करते हैं, वट अबाउट साडा उहदी की कमी है, असी तो साढ़े को ओपन एरियाज है विद वेंटीलेशन है, आई थिंक सो भी सानू जल्दी तो जल्दी अलाउ करना चाहिए ताकि इस जो साढ़े असी और जो साड़ी अलाइड सर्विसिज है जो साढ़े नाल लोग जुड़े हुए हैं वो लोग अपना रोजगार चला सकन, मोर ओवर सरकार का भी रेवन्यू आए।
ਇੱਥੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 5000 ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 150 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 150 ਅਤੇ 5000 ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5000 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 5000 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ 3000 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ 150 ਬੰਦਾ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ, 150 ਨੂੰ 3000 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਔਰ ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 4.5 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਨੇ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜੇ ਨੇ ਕਾਮਗਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਚਰਵਾਨ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ।